फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जब नेटिंग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कितना ही सुंदर डिज़ाइन है। आप इसे किसी भी स्वेटर या कार्डिगन पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैम, अब मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। हमारा जो ये डिज़ाइन है, ये 4 के मल्टीपल्स प्लस 3 फंदों से तैयार होगा। इट मीन्स आप 4 के मल्टीपल पे जितने मर्जी फंदे ले लीजिए और उसमें 3 प्लस कर लीजिए। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरे हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। ये डिज़ाइन बनाने के लिए 2 कलर की वूल ली है। आप चाहें तो ज़्यादा कलर्स भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 के मल्टीपल से 20 प्लस 3, मैंने यहाँ पे 23 फंदे लिए हैं। मैंने बॉर्डर तैयार किया हुआ है छोटा सा, आप कोई भी तरह का बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। तो अब हम फर्स्ट रो में सेम कलर से सीधी सिलाई डालेंगे। अब उल्टी रो हम उल्टी ही डालेंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट रो में दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करते समय हम पहले 2 फंदे सीधे उतारेंगे एज इट इज़ दूसरी सिलाई पे। अब आगे वाला एक फंदा हम सीधा बुनेंगे दूसरे कलर की हेल्प से। अब धागे को, जो दूसरे कलर का धागा है, उसको सिलाई पे 2 बार घुमा के फंदा सीधा बुन लेंगे। अब आगे वाला एक फंदा फिर से हम सीधा बुनेंगे। अब हम आगे एक फंदा एज इट इज़ उतारेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब आगे वाले फंदे के ऊपर से 2 बारी धागा घुमा के उसको भी सीधा बुन लेंगे। अब आगे वाला एक फंदा हम फिर से सीधा बुन लेंगे। अब आगे वाला एक फंदा फिर से एज इट इज़ उतारेंगे, आगे वाला एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब अगले फंदे के ऊपर से 2 बारी धागा घुमाकर हम उसको भी सीधा बुन लेंगे। आगे वाला एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। ऐसे करते करते हमें हमारी पूरी रो ये वाली कंप्लीट कर लेनी है। जो लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बच जाएंगे उसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। नेक्स्ट रो में हम पहले 2 फंदे एज इट इज़ उतार लेंगे। अब जो आगे वाला फंदा है उसको उतार के उसके आगे वाले एक फंदा जो हमने 2 बार जिसके ऊपर से धागा घुमाया था उसे खोल लेंगे। कुछ इस तरह से। अब जो हमारे पास ये 3 फंदे आ गए हैं, हम इन्हें 3 बार एक साथ बुनेंगे। पहली बारी उल्टा, अब ऊपर से धागा घुमाएंगे और लास्ट टाइम फिर से उल्टा। ऐसा करने से हमारे पास 3 फंदे बन गए हैं।
अब आगे वाला एक फंदा हम एज इट इज़ उतारेंगे। हमने लास्ट टाइम भी लास्ट रो में इस फंदे को एज इट इज़ उतारा था, इस बार भी इसे एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर से आगे जो हमने दो बार धागा घुमाया था उसको खोल लेंगे। और इन तीनों फंदों को अब एक साथ तीन बार बुनेंगे। पहली बार उल्टा, फिर धागा घुमाएंगे और लास्ट टाइम फिर से उल्टा। ऐसे हमारे पास तीन फंदे आ गए। अब आगे फिर से हम एक फंदा एज इट इज़ उतारेंगे। फिर से हम दो बार धागा घुमाया है जो उस फंदे पे, उन्हें खोल लेंगे। अब फिर से ये तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। पहली बार उल्टा, फिर धागा घुमाएंगे, फिर लास्ट टाइम फिर से उल्टा। अब आगे भी हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब जो लास्ट टाइम हमारे पास ये दो फंदे रह गए हैं, इन्हें भी हम एज इट इज़ उतार लेंगे। हम फिर से जो हमने पहले कलर यूज़ किया था उससे हमारी पूरी की पूरी सीधी रो बुनेंगे। हमें इसमें कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस हमें सीधी रो बुननी है। अब उल्टी रो हम उल्टी ही बुनेंगे। ये देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। ऐसे ही सेम प्रोसेस रिपीट करते करते आपका ये डिज़ाइन आगे बढ़ेगा। बनने के बाद ये डिज़ाइन कुछ आपका इस तरह का लगेगा। ये देख सकते हैं मैंने इसको पूरे स्वेटर पे डाला हुआ है। आप भी अपने किसी भी स्वेटर या कार्डिगन पे इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अप्रिशिएट ज़रूर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।